आज मैं चिकन टिक्का कबाब बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1/2 kg चिकन बोनलेस ली हूँ। और इसमें डालूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच उसमें नेवन जूस, और फिर नमक 1 स्पून नमक। अब मैं इसको मिलाऊंगी, अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। अच्छी तरह से मिला ली हूँ। अब इसी तरह मुझे इसको छोड़ना है 1/2 घंटे के लिए, फिर मैं इसी में सारा मसाला डालूंगी। 1/2 घंटा हो गया, अब मैं इसमें सारा मसाला डालूंगी। अब इसमें मैं दही डालूंगी, दही में बिल्कुल पानी नहीं हो, बिल्कुल एकदम थिक ऊपर का जमा हुआ दही, 3 चम्मच है। और इसी में मैं लाल कश्मीरी मिर्च लूँगी 1 चम्मच, एज पर टेस्ट नमक, और लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया इसमें 1.5 चम्मच डाली हूँ, और ये गरम मसाला है 1/2 चम्मच, और इसमें ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, और इसमें चाट मसाला। और चिकन टिक्का मसाले का ये आता है शान का, तो आप इसमें से भी 1 चम्मच डाल दीजिए अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, 1 चम्मच भर के। अब मैं इसमें शिमला मिर्च भी डालूंगी और प्याज भी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे डाल के अब इसको मैश करूंगी, चिकन टिक्का कबाब बहुत अच्छा लगता है और ये सबको पसंद भी आता है। ये सारा मैश करके मैंने कम से कम 4 से 6 घंटा रखूंगी, आप 1 दिन भी रख सकती हैं, जितना लेट से बनेगा बहुत टेस्टी होता है, जितना ज़्यादा इससे मैरिनेशन रहे। देखिए अच्छी तरह मैश हो गया है, अब मैं इसको 4 घंटा के लिए रख दूंगी। सरसों तेल गरम करके 2 चम्मच डालना है। अब मैं इसको हाथ से चेक करती हूँ, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको सीख में लगाती हूँ, ये देखिए ये सीख है, इसे मैं लगाऊंगी। चिकन का पीस लूंगी पहले, शिमला मिर्च, फिर प्याज, ऐसे लगाती चली जाऊंगी सब मैं, फिर शिमला मिर्च, फिर प्याज। शिमला मिर्च इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी तरह मैं पूरा लगाऊंगी, इसी तरह मैं सब सीख तैयार करती हूँ। देखिए बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसे कुक करूँगी। मैंने गैस चूल्हा पे पैन चढ़ा दिया हूँ और इसमें सरसों तेल डालूँगी। आप ऐसे भी डायरेक्ट चूल्हे पे सेक सकते हैं, पर मैं ऐसे सेकती हूँ, सरसों तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसको मैं ऐसे डाल रही हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से हमारे कबाब तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसी तरह मुझे सारे तरह घुमा घुमा के सेकना है, हल्का सा ऑयल भी लगा लूँ ताकि फिर से ना, देखिए बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। और थोड़ा सा मैं अब पैन हटा के जाली में सेकूँगी, सारे रेडी है बस, अब मैं पैन हटा लूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इतनी टेस्टी खाने में भी लगेगा। देखिए रेडी हो गया है, अब मैंने बंद कर देती हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से सिका गया।
कबाब बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छा बना है, देखिए चारों तरफ से पक चुका है। अब मैं बंद कर दे रही हूँ और आप निकाल के दिखाती हूँ डिश में। मैंने डिश आउट कर दी, देखिए कितना गज़ब का बना है माशाल्लाह। आप भी बनाएं इसी तरह। मैं वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।